सिर्फ 2500 रुपीस की प्राइस में लॉन्च हुई है ये स्मार्ट वॉच, जिसका नाम है डीजो वॉच 2 स्पोर्ट्स। डीजो ने बेसिकली इसको लॉन्च किया है, आई होप आपने नाम तो सुना ही होगा। स्पोर्ट्स वॉच है तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि 2500 की प्राइस में क्या स्पोर्ट्स से रिलेटेड फीचर्स देखने को मिल रहे हैं और ओवरऑल ये वॉच कैसी है, सबके बारे में अच्छे से बात करूंगी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो बिना वो टाइम वेस्ट किए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। तो बॉक्स तो आप देख ही सकते हो, काफ़ी सिंपल और काफ़ी मिनिमलिस्ट टाइप का है। साइड में कुछ फीचर्स को मेंशन किया हुआ है, अंदर की तरफ वॉच है, मैग्नेटिक चार्जिंग केबल दिया हुआ है एंड एक यूज़र मैनुअल है, बाकी तो आप देख ही सकते हो। वॉच कितने कूल एंड फंकी कलर में मेरे पास अवेलेबल है। रेड कलर के अलावा और भी काफ़ी नए एक्साइटिंग कलर्स में ये वॉच मिल जाती है, तो वो मुझे काफ़ी सही चीज़ लगी है। आई मीन देख के ही समझ में आ रहा है कि यूथ को टारगेट करके बनाया हुआ एंड कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स वॉच है तो चलता है। मतलब इस तरह के कलर्स हाथ में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल, काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट, काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश मुझे लग रही है। ये जो सिलिकॉन के स्ट्रैप्स हैं इनको आप चाहो तो चेंज कर सकते हो बिकॉज डिटैचेबल्स है, और ये जो लाइट वेट है ना कहीं इसके पीछे रीज़न है कि इसका जो डायल है ये पॉलीकार्बोनेट बिल्ट के साथ आता है। बट मैटर ये करता है कि हाथ में जब वॉच को पहनो तो वो लाइट फील होनी चाहिए, तभी आप उसको लॉन्ग टाइम तक वेयर करके रख सकते हो बिना अनकंफर्टेबल हुए, तो वो पर्पस यहाँ पर पूरा हो रहा है, तो मेरे को ये चीज़ अच्छी लग रही है। इसके अलावा ये 1.69 इंचेस की डिस्प्ले है 600 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस के साथ, तो ये इसका एक काफ़ी अच्छा हाईलाइटिंग पार्ट मैं बोलूँगी, क्योंकि इस वॉच को मैं आउटडोर्स वगैरह में भी लेके गई हूँ और काफ़ी अच्छी खासी ब्राइट रहती है, तो वो मुझे पसंद आया है। लेकिन आप यहाँ पर डिस्प्ले को देख ही सकते हो कि बेजल्स मतलब ठीक दिए हैं, बट अगेन प्राइस पॉइंट के हिसाब से मैं इतना ज़्यादा कंप्लेन नहीं करूँगी। और मतलब आप यहाँ पर अगर थोड़े से ब्लैक कलर के वॉच फेसेस अगर रखोगे तो ये इजीली आपको नोटिस नहीं होंगे, लेकिन अगर आप लाइट कलर के वॉच फेसेस रखोगे तो हो सकता है आपको नोटिस हो और बॉदर करने लग जाए, तो सजेशन है थोड़ा ब्लैक टाइप के रखोगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा। बाकी वॉच के अगर बेसिक फंक्शंस के बारे में बात की जाए तो जैसे ही आप राइट की तरफ स्वाइप करोगे तो आपका पैनल खुल जाएगा, जहाँ से आप ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हो, लिफ्ट व्यू, डू नॉट डिस्टर्ब, टॉर्च वगैरह आपको जलाना है, बैटरी कितना है, तो वो सारे फंक्शंस बेसिकली आप यहाँ से एक्सेस कर पाओगे। लेफ्ट की तरफ स्वाइप करोगे तो अपने स्टेप्स, कैलोरी काउंट या फिर आपका स्लीप डाटा, हार्ट रेट मॉनिटरिंग, क्या वेदर चल रहा है, म्यूजिक कंट्रोल, वो सारे फंक्शंस धीरे धीरे करके यहाँ पर आते रहेंगे, मतलब स्वाइप जैसे ही आप करोगे। ऊपर की तरफ से स्वाइप डाउन करोगे तो आपका नोटिफिकेशन पैनल खुल जाएगा, और नीचे की तरफ से करोगे तो जो वॉच में बेसिक फीचर्स आपको देखने को मिल रहे हैं फिटनेस से रिलेटेड या फिर इन जनरल जो वॉच में फीचर्स होते हैं वो सारे यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। तो एक एक करके इनको देख लेते हैं। यहाँ पर एक्टिविटी डाटा दे रखा है तो ये वही है, मतलब कैलोरी काउंट, स्टेप्स वगैरह, और हार्ट रेट मॉनिटरिंग मैंने करके देखा है और मतलब मेरे को तो सही दिखाया। आई मीन एक और चीज़ होती है, कई सारी वॉचेस ना कहीं पर भी किसी को भी पहना दो वो हार्ट रेट मॉनिटर करती रहती है, टेबल पर रख दिया या फिर किसी फ्रूट के ऊपर लपेट दिया तब भी वो हार्ट रेट मॉनिटर करता रहता है। थैंकफुली यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो उससे मैं अज्यूम कर रही हूँ कि ये सही ले रहा है। इसके अलावा SPO2 आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हो, जिसकी थैंकफुली अब शायद ज़रूरत ना पड़े जितना कोविड में पड़ी थी। स्लीप मॉनिटरिंग है यहाँ पर तो वो काफ़ी एक्यूरेट टाइप का मुझे फील हुआ है जितना 2-3 दिन मैंने इसको यूज़ किया है। वर्कआउट के लिए आपको यहाँ पर काफ़ी सारे अलग अलग मोड्स देखने को मिल जाएंगे। आई मीन यहाँ पर बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है 110 प्लस स्पोर्ट्स मोड यहाँ पर दिए हुए हैं। टू बी ऑनेस्ट मैंने इनको काउंट तो नहीं किया है अभी तक, लेकिन देख के लग रहा है कि काफ़ी सारा है, इतना सारा तो आई मीन कोई बंदा यूज़ ना भी करे, बट आपको ऑप्शंस बहुत सारे मिल जाएंगे, वो सही चीज़ है। वर्कआउट के रिकॉर्ड्स आप यहाँ पर देख सकते हो, अलार्म क्लॉक है, वेदर है, स्टॉप वॉच है, टाइमर, म्यूजिक, कैमरा, ब्रीदिंग ट्रेनिंग आपको करनी है योगा के टाइम पर होता है ना, इनहेल एक्सहेल वो सब कर पाओगे, फाइंड माई फोन, फीमेल अपनी हेल्थ से रिलेटेड जो भी ट्रैक करना चाहती है, मेंस्ट्रुएशन वो सब ट्रैक कर सकते हैं। तो हाँ, सारे बेसिक जो फीचर्स होते हैं वो सब कुछ आपको इस वॉच के अंदर देखने को मिल जाएंगे सिर्फ 2000 की प्राइस पॉइंट पर। बाकी देखो, जब मैं ये बोल रही हूँ ना कि 2000 रुपीज़ की स्मार्ट वॉच है तो एट प्रेजेंट फ्लिपकार्ट पर ये 2000 रुपीज़ में ही प्राइस्ड है। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, चाहो तो एक बार जाके ज़रूर से चेकआउट कर सकते हो, बट हो सकता है आगे चल के इस वॉच का प्राइस आपको 2500 रुपीज़ पे करना पड़े, तो इस चीज़ का आप डेफिनेटली ध्यान रखना। बाकी वॉच को आप अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हो इनके एप्लीकेशन के थ्रू, जिसका QR कोड आपको इनके जो यूज़र मैनुअल वगैरह वहाँ पर मिल जाएगा, और उसमें स्टेप बाय स्टेप बता भी रखा है कि कैसे आप अपनी वॉच को सेट कर सकते हो। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिना उसके यूज़ के भी आप कर लोगे, मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो आप लोग। तो इनकी जो वॉच एप्लीकेशन है डीजो की, बेसिकली वो भी काफ़ी सिंपल सी है,
बहुत ही इजी इंटरफेस है यहाँ पर। ऊपर ही आप यहाँ पर होम पेज पर देख सकते हो आपके डेली के स्टेप काउंट, कैलोरी काउंट, मतलब जो भी आपका डाटा है ना हेल्थ से रिलेटेड, और वो भी ऐसा नहीं सिर्फ डेज का, वीक्स का, मंथ्स का, ईयर्स तक का डाटा आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। डायल सेंटर दे रखा है जहाँ पर आप 150 प्लस वॉच फेसेस आपको देखने को मिल जाएंगे। कस्टमाइज भी कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पर स्लीप ड्यूरेशन, बेसिकली आप स्लीप को, डाटा को ट्रैक कर सकते हो, हार्ट रेट मॉनिटरिंग, SPO2 रिकॉर्ड्स यहाँ पर दिए हुए हैं, जिसमें आपके जो भी डेली आप कर रहे हो, कितनी कैलोरीज बर्न वगैरह हो रही है, वो सब कुछ आप यहाँ से देख सकते हो। अपना हेल्थ रिकॉर्ड बेसिकली यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। प्रोफाइल में अगर जाओगे तो सबसे पहले ही दिया हुआ आपकी वॉच कनेक्टेड है, 60% बैटरी यहाँ पर है। एंड एक चीज़ मैं बता दूँ कि इस वॉच के अंदर मुझे बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये जब आई थी तो 93% था और मैं इसको 4 दिन से यूज़ ले रही हूँ और अभी ये 60% पर है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो काफ़ी सही चल रही है यहाँ पर। 5 ATM वाटर रेजिस्टेंट भी है बाय द वे। इसके अलावा कैमरा कंट्रोल, नोटिफिकेशन, कॉल रिमाइंडर, रिमाइंडर सेटिंग्स, बेसिकली इसमें क्या है ना कि जब आपके कॉल्स वगैरह आएंगे तो ये आपको रिमाइंड करवा देगा कि हाँ कॉल आई है। आप रिसीव नहीं कर सकते हो, मे बी उसका बहुत ही जल्द फीचर आपको देखने को मिल जाए OTA अपडेट के थ्रू, लेकिन अभी फ़िलहाल तो बस आपको पता लग जाएगा कि कॉल आया हुआ है। जो एप्लीकेशन है, मेरे को ऐसा लगता है इस एप्लीकेशन में और फीचर्स हो सकते थे वॉच को कंट्रोल करने के लिए, मे बी OTA अपडेट के थ्रू हमें सब कुछ देखने को मिल जाए। बट हाँ, ओवरऑल देखो 2500 तक की प्राइस में आज से कुछ टाइम पहले अगर आप जाओगे तो सिर्फ फिटनेस बैंड्स देखने को मिलते थे, जो कि फिटनेस रिलेटेड लोग ही रखते थे और वो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग टाइप के भी होते थे। लेकिन उसी प्राइस में आज के टाइम पर स्मार्ट वॉचेस देखने को मिल रही है, वो भी इतनी, मतलब जहाँ पर इतना अच्छा टच रिस्पॉन्स है, इतने सारे फीचर्स देखने को मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली समझ में आ रहा है कि टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ जा रही है, कितना जल्दी हम लोग इवॉल्व कर रहे हैं। एंड प्राइस पॉइंट के हिसाब से डेफिनेटली काफ़ी सही स्मार्ट वॉच है, आप ज़रूर से चेकआउट कर सकते हो। काफ़ी अच्छे कलर्स भी मिल रहे हैं। बाकी तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको पसंद आया होगा। बाकी मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।